दोस्तों कैसे हैं। सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये वीडियो पूरी देखें, मैंने इसके अंदर क्या कहा है पूरा सुने। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। हाय गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जस्ट अभी हूँ घर पर। मैं सुबह गया था शोरूम पे, उसके बाद मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि आप जो ये देख रहे हैं गूगल जो लगा रखा है वो मैंने ऐसे ही नहीं लगा रखा घर के अंदर। मुझे आई फ्लू हो चुका है, इसीलिए मैंने ये लगा रखा है। इस राज्य का धो रही है कपड़े, ये बैठी है देखो, है ना। आज ना मैं सुबह गया था, यानी कि बिल्कुल ओके गया था शोरूम पे, और शोरूम पे एकदम से मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। मेरे हेडक होने लगी मेरे को, यानी कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा यहाँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। तब मुझे लगा कि शायद मुझे कोई दिक्कत है। तो उसके बाद मैंने मिरर में देखा तो मेरी दोनों आँख ना बहुत बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लक्षण क्या हैं, इसमें क्या करें और क्या ना करें। एंड ये देखो मेरा बेटा उठ के आ गया, अभी सोया हुआ था। ये टाइम हो रहा है 4:30 का, अभी सोया हुआ था और सो के उठ के भी आया, और आते ही सीधा पापा के पास। बट पापा ने इसको मना कर दिया कि पापा के पास नहीं आना। नो तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लक्षण क्या है। कल शाम को रात को जब मैं आ रहा था तो रास्ते में थोड़ी सी मेरी आंखों में मिट्टी चली गई, और वैसे मेरी आंखों में ना खारिश हो रही थी। तो मैंने ऐसे 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 थोड़ी देर कर ली खारिश, उसके बाद मैं घर आया वो थोड़ी सी बढ़ गई। तो आपकी आंखों में खारिश होएगी काफ़ी, ठीक है, तो अब मत करना जैसे मैंने किया वैसे, बिल्कुल भी मत करना। अब घर जाना, ठंडे पानी से आंखों को धोना, मैंने आते ही पानी से धोई जरूर थी। तो उसके बाद जो घर मेडिसिन पड़ी थी वो मैंने डाली भी थी, बट रात को भी काफ़ी यानी कि दर्द, हल्का हल्का सा दर्द जो है वो शुरू हो चुका था। तो मेन ये है कि पहले खारिश इसमें शुरू होगी, आपको हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी खारिश होगी, तो आप प्लीज़ हाथ मत मारना इसमें, है ना। एंड देन जब मैंने सुबह उठा तो तब भी मेरी आंखों में थोड़ी सी आंखें जो है वो चिपकी सी थी। तो मुझे लगा कि वैसे ही होगा, कई बार हो जाता है ना। तो एक ये थिंग भी है कि ये चीज़ आपके साथ होगी। और हल्का हल्का मेरे सिर में दर्द भी था, बट मुझे उस टाइम तक बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे मुझे आई फ्लू हो जाएगा। तो उसके बाद मेरी आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी, जलने लगी, और मेरे सिर में बहुत पेन होने लग गया। तब मैंने एकदम मिरर में देखा, मैं शोरूम पे था, मिरर में देखा तो एकदम मेरी आँख लाल हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और इसमें से अगर कुछ भी होता है, सीधी सी बात है, अगर आपकी आँखों में थोड़ी सी भी खारिश हो रही है तो आप अपनी आँखों को ठंडे पानी से धो लें, जिससे कहे कि ये ना बढ़े ना, और वहीं की वहीं ये ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये है इसके लक्षण। आप इसके अंदर आप क्या करें क्या ना करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैं आज जब होने के बाद, फिर मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, तो मैंने उनसे कंसर्न किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये दो आई ड्रॉप्स दिए, उनका नाम मैं आपको मेंशन कर देता हूँ और बता भी देता हूँ, फ्लोजेल और मोक्सीसिप आई ड्रॉप्स। तो ये दो आई ड्रॉप्स हैं, एक रेड कलर की पैकिंग में आती है और एक ग्रीन कलर की पैकिंग में आती है, ठीक है। तो आप हर 6 घंटे में इसको अपनी आँखों में डालो दो दो बूंद, और जिससे क्या है कि आपकी आँखें जो है फ्लू जो आपको हुआ है वो ठीक हो जाएगा। एंड अगर आपकी आँखों में, जैसे मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द था और आपकी आँखों में भी दर्द हो जाए शुरू, तो आप एक ये है फेनिक प्लस करके पत्ता आता है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है, तो आपका जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। इवन ये वाला जो पत्ता है आपके, अगर मान लो आपको हेडक हो, आपकी जाड़ में दर्द हो, तो उसमें भी ये आपको कामयाब है, ऐसा मेरे भाई ने बताया जिससे मैंने लिए, और आराम भी है। तो आप ये ले सकते हैं, सिर्फ 10 रुपये का पत्ता है, कहीं कहीं 15 का मिल जाएगा, मुझे 15 का मिला, वैसे 10 रुपये का पत्ता है, ठीक है। और ये भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, इनकी भी जो MRP है 100-200 के बीच में आ जाएंगी दोस्तों। इस पर कहीं पर मेंशन नहीं है, मुझे दिख नहीं रही है, तो हो सकता है, तो इतने की आ जाएंगी, ज़्यादा महंगी वाली आइटम नहीं है। सिप्ला कंपनी की है, कंपनी बहुत अच्छी है, सिप्ला कंपनी आप जानते ही होंगे, है ना। तो सिप्ला कंपनी की आई ड्रॉप्स हैं, आप ये ले सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका, अगर आपको आई फ्लू हो जाता है तो। अदरवाइज़ भी अगर आप मान लो ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, या बच्चे आपके घर में बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे जो फ़ोन चलाते होंगे, तो आप जो ये आपकी
क्लोजेल वाली आई ड्रॉप है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है कि आँखों को थोड़ा आराम मिलेगा, आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और बट इसको थोड़ा सा आँखों के ना ऊपर से डालना है, थोड़ा सा दूर से डालना है। इसकी जब बूंदे डालोगे आँखों में तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब क्या ना करें वो मैं बता देता हूँ कि आई फ्लू के अंदर बच्चों के नज़दीक मत जाएं, अपने परिवार में फैमिली में आपके कोई भी है तो उनके आसपास मत जाएं। अगर आप आँखों पे हाथ मारते हैं उसके बाद, क्योंकि दवाई डालने के बाद ऑब्वियसली पानी निकलेगा, वो जब आप साफ़ करोगे तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, जो मैं कर रहा हूँ। और अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूर रखें, डिस्टेंस बना के चलें, लाइक जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, तो थोड़ा सा बना के चलें। और लगातार 2-3 दिन डालोगे तो फ़र्क अपने आप नज़र आ जाएगा, और आपकी यानी कि आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी, और आपके यार दोस्त हैं तो उनसे भी आप दूर रहें। आप वर्क करते हैं तो दूर रहें। मेन दूसरी चीज़ ये है कि गोगल डाल के रखें, और अगर आप खुद दवाई डाल सकते हो तो ज़्यादा अच्छे हैं। मैं खुद नहीं डाल सकता, इसी चक्कर में मुझे घर आना पड़ा। और अगर कोई और आपकी आँखों में दवाई डाल रहा है तो उसको भी आप बोल दें कि गोगल लगा के ही आपकी आँखों में आई ड्रॉप डालें, तो उससे वो भी सेफ रहेंगे, है ना। और जैसे वो आपकी आँखों में आई ड्रॉप डाल देते हैं तो आप उन्हें भी कहिए कि वो भी अपना हाथ को अच्छे से साबुन से धो लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है और नहीं करनी है, वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है। तो इससे आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, और यही मैं चाह रहा था कि आज जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बताऊं। और इस बीमारी का इलाज ऐसे होगा, ऐसे तो किसी को कोई बीमारी ना हो, मैं यही दुआ करता हूं। बट अगर हो जाती है ये बीमारी तो आप ये चीज़ करें, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, और अगर आई फ्लू हो जाता है तो प्लीज़ ये करें। हाँ, ठंडे पानी के छींटे भी मार सकते हो आप। बर्फ़ का जो होती है, हमारे पास बर्फ़ होती है, ठंडा पानी होता है, रुमाल को गीला करके आप आंखों पर रख सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा और जल्दी रिकवरी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने के लिए ही ये छोटा सा व्लॉग बनाया, तो आप प्लीज़ देखो और सीखो कि आई फ्लू के अंदर क्या करें क्या ना करें। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को। आप लोगों के प्यार की वजह से आज मेरे 5500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इस मंथ के अंदर मेरे 600 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। आगे ऐसे ही करते रहो। इस 5500 को आप 10,000, 1,00,000, ये सब आपके पास है, आप कर सकते हो। आपका प्यार चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, टाटा, सी यू।